नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे चौंकाने वाले संकेत मिले हैं, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी ने आज जो गिरावट दिखाई है, करीब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की डिप लगाई थी, उसके बाद 177 पॉइंट गिर के यहाँ पे बंद हुआ है। जो गैप बनाया था इलेक्शन के टाइम पे, उस इलेक्शन का जो गैप था उसको पूरा फुलफिल किया है। तो क्या यहाँ पे इस गैप के भरने के बाद क्या निफ्टी में दोबारा से बाउंस आएगा, या फिर यहाँ पे एक फर्दर सेल ऑफ दिखाई देगा जो कि निफ्टी को 11200 तक ले जा सकता है। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे, जहाँ पे कि हम 22 जुलाई की तैयारी करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि जिस तरीके से निफ्टी ने 11500 का साथ छोड़ा है और 11419 के पास जाके बंद हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे और प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि हमारे यहाँ पे लॉन्ग कॉल की ज़्यादा अच्छी बन रही है या और भी फर्दर मार्केट गिरेगा जिससे हम पुट लेके एक अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोजिंग की। देखिए 11419 पे क्लोजिंग आई है और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली है आज के दिन में, क्योंकि FII कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं और जब FII सिंपल सी चीज़ है, जब माल बेचते हैं तो मार्केट को गिरना तय होता है, उसको कोई रोक नहीं पाता। तो ऑलमोस्ट मार्केट को ड्राइव करने वाले जो हैं वो बेसिकली FIIs रहते हैं, क्योंकि उनकी जो होल्डिंग्स होती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं, जब वो गिरते हैं तो अपने आप मार्केट गिर जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11400 पे क्लोजिंग आई है, तो देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11400 की। देखिए 11400 की जो पुट है वहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब करीब यहाँ पे 26,59,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 11400 की पुट पे। वहीं अगर मैं 11300 की बात करता हूँ तो 11300 की पे करीब 30,44,000 खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जोन है 11300 11400 का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन है, इसीलिए यहाँ पे पुट राइटर्स काफ़ी एक्टिवली राइट कर रहे हैं। वहीं अगर मैं 11400 की कॉल की बात करता हूँ, कॉल पे है ओपन इंटरेस्ट करीब यहाँ पे 7,31,000 का ओपन इंटरेस्ट है, बट एज़ कम्पेयर टू 11400 की पुट के हिसाब से देखा जाए तो वो इतना नहीं है। वहीं अगर 11300 की देख रहा हूँ तो वहाँ पर सिर्फ आपका 1,56,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो क्लियर कट ऐसा है कि सिंपल सी चीज़ है, देखो दोस्तों, एक शार्प सेलिंग का मूव आज बनाता है, तो जब मंडे को ओपन हो सकता है तो आपको सुबह सुबह एक और शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है जो कि निफ्टी को 60-70 पॉइंट 80 पॉइंट गिरा दे, बट वहां से रिकवरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि 11300 की जो कॉल है वहां पर कोई राइटिंग नहीं है। तो अगर ऐसी डिप मिलती है, सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको 11320-330 तक की डिप मिलती है तो वहाँ पे आप एक कॉल लेके काम कर सकते हो, 11400 की या 11500 की कॉल लेके काम कर सकते हो बाउंस बैक के लिए। वहीं अगर मैं 11500 की बात करता हूँ तो देखिए 11500 की जो कॉल है वहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 11500 की जो कॉल है 30,20,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हो गया। वहीं अगर मैं बात करूँ तो 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में ऐड हुआ है, यानी कॉल राइटर ने अपना जो ऊपर का जो बेस था वो नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। पहले वो 11700 पे कॉल राइटिंग कर रहे थे, अब वो 11500 पे आके कॉल राइटिंग कर रहे हैं। और अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ कॉल में, वो है 35 लाख का 11600 की कॉल पे। वहीं अगर पुट में बात करते हैं तो पुट में क्या हो रखा है, देखिए 11500 की में पुट जिन्होंने लॉन्ग कर रखी थी वो उन्होंने, सिंपल सी चीज़ है, पुट जिन्होंने राइट कर रखी थी तो उन्होंने लॉन्ग कर रखा था, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पे। जिस तरीके से मार्केट में प्रेशर बना था उस चीज़ को देख के यहाँ पे लोगों ने अपनी पोजीशन काटी है जो पुट राइटर थे बेसिकली। तो आपको फोकस यही करना है, देखिए बाउंस बैक पे मार्केट में बेचना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट गिरने की, बट एक चीज़ बताइए, जब सुबह मार्केट गिर जाएगा तो उसके रिकवरी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको कोई भी डिप मिलती है मॉर्निंग के सेशन में, आधे घंटे में आपको मान लो सुबह के 9:15 से लेके 9:45 तक आपको निफ्टी करीब 80-90 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई देता है, 11300 के नियरेस्ट आता है 320-330 के, तो आप एक कॉल लेके काम कर सकते हो जो कि आपको मार्केट में ऊपर की साइड करीब 11400-20-30 के टारगेट दिखा सकता है। तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो निफ्टी के अंदर। और अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है 11500 के नियरेस्ट की, तो आप एक पुट लेके काम कर सकते हो 11400 की। तो ये जो जोन होगा वो 11300-11500 के बीच का बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 दिन में 300 पॉइंट के करीब गिर गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक बाउंस बैक आना तय रहेगा। अब वो हो सकता है मंडे को आ जाए या फिर ट्यूसडे को आ जाए, तो इस चीज़ को फोकस ज़रूर रखिएगा। वहीं अगर मैं एक बार डाओ को देख लेता हूँ तो डाओ फ्यूचर
ठीक है, करीब 100 पॉइंट गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है डाउ फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी चीज़ ये कि अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे मार्केट की सेलिंग वो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम गिरते चले जाएंगे गिरते चले जाएंगे। तो यही चीज़ है कि ये एक सेलिंग थी, सेलिंग के बाद बाउंस बैक आएगा, तो इस चीज़ पे आप ज़रूर फोकस करिएगा। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।